फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दयालपुर थाने की टीम ने 3 कुख्यात स्नेचरों को पकड़ा। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के DCP डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने मीडिया को बताया। पुलिस थाना दयालपुर की टीम ने FIR संख्या 409/24 अंडर सेक्शन 304(2) BNS थाना दयालपुर के तहत दर्ज चेन स्नैचिंग के मामले को सुलझाया और छीनी गई सोने की चेन और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की। 2 आरोपी आतन और सक्रिय अपराधी पाए गए, जो पहले हत्या के प्रयास, डकैती, स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल थे। दिनांक 16 जुलाई 2024 को थाना दयालपुर में एक स्नैचिंग की घटना की सूचना मिली, जिसमें सादतपुर एक्सटेंशन निवासी एक महिला उम्र 48 वर्ष ने रिपोर्ट की कि जब वह सादतपुर क्षेत्र में एक गली से गुजर रही थी, तो एक अज्ञात व्यक्ति अचानक पीछे से आया और उसके गले से सोने की चेन छीन ली और अपने अन्य साथियों के साथ स्कूटी पर मौके से भाग गया। तदनुसार थाना दयालपुर में FIR संख्या 409/24 US 304(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी SHO थाना दयालपुर के नेतृत्व में SI महिपाल, हेड कांस्टेबल रोहित पलसानिया, हेड कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, कांस्टेबल गुलफाम और कांस्टेबल अमित की एक टीम शदीपक चंद्रा ACP गोकलपुरी की देखरेख में गठित की गई थी। टीम को उचित जानकारी दी गई तथा मामले को सुलझाने तथा अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का निर्देश दिया गया। टीम ने लगातार मेहनत की तथा आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज चेक की, तकनीकी निगरानी तथा स्थानीय स्रोतों से एकत्रित जानकारी के माध्यम से स्नैचिंग में शामिल 3 व्यक्तियों की पहचान की गई तथा बाद में टीम द्वारा कई छापों के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। उनकी पहचान 1 नसीम उर्फ वसीम पुत्र शरीफ निवासी पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली, उम्र 38 वर्ष, 2 सत्यपाल उर्फ बबलू पुत्र सतीश कुमार निवासी रोशन विहार दिल्ली, उम्र 30 वर्ष, तथा 3 पवन पुत्र सिकंदर सिंह निवासी शक्ति विहार दिल्ली, उम्र 33 वर्ष के रूप में हुई। आगे की जांच के दौरान शिकायतकर्ता की स्नैच की गई सोने की चेन तथा अपराध में प्रयुक्त स्कूटी उनके कब्जे से बरामद की गई।